हमारी दुनिया का 75% हिस्सा पानी जबकि 25% हिस्सा जमीन है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 25% जमीन को भी आज तक पूरी तरह से नहीं देखा गया है। एक एस्टिमेट के मुताबिक जमीन का आधे से भी ज्यादा हिस्सा ऐसा है जिसको आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। अर्थ का ये अनएक्सप्लोर्ड हिस्सा असल में आर्कटिक रीजन, घने खौफनाक जंगल, बादलों से बातें करने वाले खतरनाक पहाड़ियां, दूर दूर तक फैले रेगिस्तान है जहां पर इंसान का जाना काफी ज्यादा मुश्किल माना जाता है। लेकिन जो भी हो, हमें कम से कम ये तो मालूम ही है कि इन जगहों पर आखिर है क्या। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अर्थ का सबसे बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में इंसान लगभग कुछ भी नहीं जानता, और वो हिस्सा है समुद्र का हिस्सा। इस समुद्र के बारे में इंसान सिर्फ और सिर्फ 5% जानता है। हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि समुद्र कितना ज्यादा गहरा है, इसमें मछलियों के अलावा कौन कौन सी जातियां पाई जाती हैं, और आखिर समुद्र के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर कौन से राज छुपे हैं। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। समुद्र इतना ज्यादा गहरा है कि हमारी सोच इमेजिन भी नहीं कर सकती। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर हम दुनिया के सारे पहाड़ों को, सारी जमीन को और तमाम बिल्डिंग्स को काटकर अगर ओशियन में फेंक दें तो हमारी पूरी दुनिया 3 किलोमीटर गहरे पानी से भर जाएगी। समुद्र की गहराई के बारे में रिसर्चर्स के इस एस्टिमेट को समझने के लिए हम समुद्र के सरफेस से शुरू करते हैं। ओशियन के सरफेस से 40 मीटर्स नीचे तक का एरिया वो है जहां तक स्कूबा डाइवर्स को जाना अलाउड होता है। इसके बाद 93 मीटर्स की गहराई पर फेमस ब्रिटिश शिप लुसितानिया का मलबा मिला था जो 1950 में डूब गई थी। इससे थोड़ी आगे 100 मीटर की गहराई डाइवर्स के लिए बहुत ही डेंजरस होती है। इस पॉइंट पर अगर डीप सी डाइवर्स अलर्टनेस ना दिखाएं तो पानी के प्रेशर से उनकी बॉडी के डिफरेंट हिस्से काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी हेबर्ट नितिश नामी ऑस्ट्रेलियन फ्री डाइवर ने 214 मीटर की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, और हेबर्ट ने यह पूरा रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में बनाया था। यहां से और नीचे जाएं तो 332 मीटर की गहराई पर हमारे पास स्कूबा डाइवर्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इजिप्ट से ताल्लुक रखने वाले अहमद गाबर ने बनाया था। अगर अहमद थोड़ा सा 111 मीटर नीचे जाते तो ये गहराई बनती है 443 मीटर्स, और ये गहराई इतनी ही है जितनी न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई है। इससे थोड़ा और नीचे 500 मीटर की गहराई तक जाएं तो ये वो लेवल है जहां तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रीचर ब्लू व्हेल डाइव करती है। ब्लू व्हेल का वजन 1,50,000 kg होता है, और समुद्र में डाइव करते ही ब्लू व्हेल 500 मीटर के इस लेवल तक जा सकती है। अमेरिकन सी वुल्फ सबमरीन, जो कि एक एडवांस्ड न्यूक्लियर सबमरीन है, वो भी समुद्र में 500 मीटर की गहराई से ज्यादा नहीं जा सकती। और यहां से आगे पानी का प्रेशर अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। 535 मीटर की गहराई पर पानी का प्रेशर किसी भी आदमी पर इतना होता है जितना उस पर मोटी ताजी बुफेलो खड़ी हो जाए। लेकिन एम्परर पेंगुइन्स में इतना ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी होती है, इसी वजह से वो 535 मीटर की गहराई तक भी डाइव कर सकती है। अब और नीचे जाया जाए तो 830 मीटर की गहराई तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप पाया जाएगा। ये समुद्र का वो पॉइंट है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच सकती है, लेकिन थोड़ा और नीचे जाएं तो 1000 मीटर की गहराई पर समुद्र का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको स्केरी जोन कहा जाता है। यहां से नीचे समुद्र की रोशनी नहीं पहुंच सकती और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा पाया जाता है। इस पॉइंट पर पानी का प्रेशर 1500 PSI होता है, यानी ये इतना ही होता है जितना एक अफ्रीकन बुफेलो एक कॉइन पर खड़ा हो जाए। हैरतअंगेज तौर पे इस केरी जोन पे एक जाइंट स्क्वाड भी पाए जाते हैं जो डीप सी के
बहुत ही खौफनाक जानवर हैं। और नीचे जाएं तो 1280 मीटर्स की गहराई पर लेदर बैक सी टर्टल्स पाए जाते हैं। ये टर्टल्स दुनिया में मौजूद तमाम टर्टल से बड़े होते हैं और इनका वजन 700 केजी तक होता है। 2000 मीटर की गहराई पर ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है। ये समुद्र में अंधेरे की तरह बिल्कुल ब्लैक होती है, जिसको सिर्फ फ्लैशलाइट में देखा जा सकता है, लेकिन इसकी अपनी आंखें इतनी तेज होती हैं कि ये अंधेरे में भी आसानी से देख सकती हैं। थोड़ा और नीचे जाएं तो 2250 मीटर्स गहराई पर स्पर्म वेल और खौफनाक क्लोजल स्क्विड जैसे जानवर पाए जाते हैं। ये क्लोजल स्क्विड 14 मीटर लंबी होती है। इसका वजन 750 केजी और इनकी एक आंख खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती है। इनके जाल में तेज धार दांत लगे होते हैं, जिनसे ये अपने शिकार को जकड़कर मार सकती है। दरअसल स्क्विड और स्पर्म वेल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। दो रोड रोलर के वजन जितनी भारी स्पर्म वेल को क्लोजल स्क्विड जकड़ लेती है और आसानी से उसको मार सकती है। इस मरी हुई स्पर्म वेल की बॉडी पर जो निशान आप देख रहे हैं, इसी स्क्विड के जाल की वजह से हैं। समुद्र की ये गहराई सिर्फ अभी एक स्टार्टिंग है। 3800 मीटर की गहराई पर फेमस टाइटैनिक शिप का मलबा अभी तक मौजूद है। 200 मीटर और नीचे जाएं तो 4000 मीटर की गहराई पर ओशियन का वो हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जिसको द एबिसल जोन कहा जाता है। यहाँ हैरत अंगेज तौर पे पानी का प्रेशर 11000 PSI हो जाता है, यानी ये इतना ही है जितना भारी भरकम हाथी एक कॉइन पर खड़ा हो जाए। और यहाँ ओशियन की अजीबो गरीब जातियां पाई जाती हैं, जैसा कि फेंगटूथ, एंगलर फिश और वाइपर फिश। 4781 मीटर की गहराई पर वर्ल्ड वॉर टू में क्रैक होने वाली बैटल शिप का मलबा मौजूद है। और नीचे जाएं तो 6000 मीटर की गहराई पर ओशियन का ऐसा हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको द हेडल जोन कहा जाता है। इसको ये नाम इस वजह से दिया गया है क्योंकि ग्रीक धर्म में हदीस मौत के फरिश्ते को कहा जाता था और ये माना जाता था कि मौत के बाद हदीस खराब लोगों को समुद्र की गहराई में ले जाता है, जहां मौत का मंजर होता है। खैर, इस जोन में पानी का प्रेशर समुद्र के सरफेस के मुकाबले में 1100 टाइम्स बढ़ जाता है। इससे और नीचे जाया जाए तो 6500 मीटर की गहराई वो गहराई है जहां तक US नेवी की रिसर्च सबमरीन जा सकती है। इसको DSV एल्विन कहा जाता है और ये वही डीप ओशियन सबमरीन है जिसने टाइटैनिक को तलाश किया था। 8840 मीटर्स की गहराई पर माउंट एवरेस्ट का टॉप आ जाता है। इसके बाद 10898 मीटर की गहराई पर वो जगह आ जाती है जहां तक 2012 में जेम्स कैमरून अपनी सबमरीन में गए थे, लेकिन 1960 में डॉन वॉल्च, जैकविश पिकर्ड नामी दो लोगों ने इससे भी ज्यादा गहराई में जाने का रिकॉर्ड बनाया था। ये दोनों ट्राइस्ट नामी सबमरीन में 10,916 मीटर की गहराई तक गए थे। इस सबमरीन को यहां तक पहुंचने में पूरे 5 घंटे लगे थे, लेकिन यहां वाटर प्रेशर इतना ज्यादा था कि सबमरीन के एक हिस्से में क्रैक पड़ गया और उनको फौरन ऊपर जाना पड़ा। ओशियन में और नीचे जाएं तो 10,970 मीटर की गहराई इतनी होती है जितना ऊंचा कमर्शियल प्लेन फ्लाई करता है। जहाज के विंडो से नीचे जमीन की तरफ देखने पर ऊंचाई की जो फीलिंग आती है, बस समुद्र का ये हिस्सा इतना ज्यादा ही जमीन के नीचे है। और आखिर में जिस गहराई तक इंसान जा पाया है, ये गहराई कमर्शियल एयरलाइन की ऊंचाई से भी ज्यादा है, जो तकरीबन 11,000 मीटर तक बनती है। समुद्र के इस पॉइंट तक जाने वाला शख्स फॉर्मर पॉइंट ऑफिसर विक्टर वेस्को है। विक्टर ने ये कारनामा डीप सी सबमरीन लिमिटिंग फैक्टर्स में बैठकर अकेले किया था। समुद्र की ये जगह चैलेंजर द्वीप के नाम से जानी जाती है, जो गुआम आइलैंड से 300 किलोमीटर दूर है। समुद्र के सरफेस से 11,000 मीटर नीचे जाने के बावजूद भी रिसर्चर्स का मानना है कि ये ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट नहीं है। ये सिर्फ वो पॉइंट है जहां अभी तक इंसान जा पाया है। अभी तक
इंसान ने ओशियन में जो कुछ भी देखा है, जहां तक भी गया है, वो ओशियन का सिर्फ 5% हिस्सा माना जाता है। यानी ओशियन के 95% हिस्से में कौन कौन सी जातियां पाई जाती हैं, वहां पर कौन कौन से राज छुपे हैं, ये अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।